कभी आम आदमी पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य रहे और अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगियों में रहे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने पंजाब के वोटर्स को खुला पत्र लिखा है और आम आदमी पार्टी को विकल्प नहीं बल्कि विकल्प का रास्ता बंद करने वाला बताया है। इस बीच उन्होंने कहा कि ईमानदार उम्मीदवारों को वो वोट की अपील उन्होंने की है जनता से, पंजाब की जनता से, कि वो ईमानदार उम्मीदवारों को वोट दें। पत्र में लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे वाले लोगों को टिकट दिया है। आरोप लगाया कि नशा मुक्ति की बात करते हैं लेकिन दिल्ली में 399 नए ठेके खोल दिए गए हैं। 21 ड्राई डे से घटाकर 17 कर दिया गया है। चुनाव जीतते ही लोकपाल की हत्या कर दी गई। तो पंजाब के वोटर्स को एक खुला पत्र लिखा गया है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की तरफ से और पंजाब की जनता को अपील की है कि ईमानदार उम्मीदवारों को वो वोट दें। पंजाब में चुनाव से पहले स्वराज इंडिया पार्टी के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने आज एक चिट्ठी लिखी है, खुला खत लिखा है पंजाब के वोटर्स के नाम। इस खत में आपने लिखा क्या है, किसको वोट दें? हमने कहा है कि पंजाब में चुनाव है लेकिन चुनने लायक कोई पार्टी नहीं है। एक लुटेरे से बचने के लिए लोगों को कहा जा रहा है कि या तो पुराने चोर को चुन लो या नए ठग को चुन लो। ये कैसी चॉइस है? बजाय कि इन तीनों में से किसी को चुनने के, हमने पंजाब के वोटर से आग्रह किया है कि इन तीन बड़ी पार्टियों, अकाली बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन तीनों से बाहर जो छोटी पार्टी हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो बदलाव की राजनीति के लिए आज भी प्रतिबद्ध हैं और जो ईमानदार हैं, उनके लिए वोट डाला जाए, चाहे वो सरकार नहीं बना रहे, चाहे वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पंजाब में महत्वपूर्ण ये है कि बदलाव की संभावना को जिंदा रखा जाए। आज खतरा उसको है, इसलिए बदलाव की संभावना को जिंदा रखने का जो तरीका हो उसे अपनाया जाए। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि नए ठग, किस आधार पर आप नए ठग की ओर इशारा कर रहे हैं, इशारा किसके लिए? नए ठग के रूप में वो हैं जो कि पंजाब में बदलाव और पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, जिनकी हकीकत दिल्ली के अंदर जनता के सामने आ चुकी है। एक सवाल ये कि चुनावी वादों की आपने बात की, सपने दिखाने की आपने बात की, दिल्ली में बहुत से वादे किए गए थे, पंजाब में भी वादे किए जा रहे हैं, तो एक सवाल ये आ रहा है कि दिल्ली में कितने वादे पूरे हुए, किस आधार पर आप ठग कह रहे हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वादा किया था नशा मुक्त दिल्ली का, मैनिफेस्टो में लिखा था। हकीकत क्या है? सत्ता में आने के बाद 399 नए ठेके खोले हैं, उनकी लिस्ट हमने जारी की और कहा कि इसमें से कोई भी गलत हो तो बता दो, आज तक कोई जवाब नहीं आया है। दिल्ली में 21 ड्राई डे हुआ करते थे, उसे घटा के 17 कर दिया है, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस को ड्राई डे से हटा दिया है और पंजाब में जाके कह रहे हैं कि नशा मुक्त करेंगे। झूठ की कोई सीमा होनी चाहिए। लोकपाल के नाम पे सरकार बनाई, खुद अपने कानून से लोकपाल की हत्या कर दी, स्वराज बिल कहाँ है किसी को पता नहीं है। ऐसे जिसके वादे हों उसके बारे में सड़क पे लोग रोज रोज के मुझे ही कहते हैं, एक बार नहीं बहुत बार कहते हैं, प्रशांत जी को कहते हैं बहुत बड़ा धोखा करवा दिया, मेरी तरफ उंगली और दिखाते हैं, आप लोगों ने धोखा करवाया तब तो आप भी वोट मांगते थे। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि पंजाब के लोगों को बाकी पार्टियों की हकीकत बनाने के साथ साथ अकालियों के लूट के बारे में भी बताएं, कांग्रेस की चोरी के बारे में भी बताएं, लेकिन इनकी ठगी के बारे में भी बताएं। एक सवाल ये, तो फिर विकल्प क्या बचता है पंजाब की जनता के सामने जब आप तीनों विकल्पों को ही नकार रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, कोई बड़ा विकल्प नहीं बनता, कोई ऐसा बड़ा विकल्प जिसके बारे में आप कह सको कि कल सरकार बना लेगा, वो नहीं बचता है। लेकिन कभी कभी इतिहास में ऐसा मोड़ आता है जहां आपको सब विकल्पों को खारिज करना होता है, जहां आपको कहना होता है कि ये तीनों मंजूर नहीं है। तो योगेंद्र यादव की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि तीनों पार्टियों में वोट देने का दम नहीं है, इसलिए चुनाव करते वक्त आप ऐसे उम्मीदवारों को चुने जो भविष्य में विकल्प की राजनीति का अवसर देते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को नया ठग का दर्जा दिया गया है। पवन नारा, सी मीडिया, दिल्ली।